आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चांदनी और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेसिक एक चीज के बारे में बताना चाहूंगी, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ रहना, वो भावना हमारे अंदर लाना और उसका एक्चुअली में महत्व क्या है, हमें वो कैसे अपने से जोड़े हुए रखता है। वो एक ऐसी हैबिट है जो हमें हमारे खुद के सोल से कनेक्ट रखता है। हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये बंदा और या ये बंदी बड़ी डाउन टू अर्थ है। इसका क्या मतलब होता है कि वो अपने आप से कनेक्टेड है, अपने सोल से कनेक्टेड है और ये एक ऐसा क्वालिटी है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने आप से जुड़े रहें, आपको अपने रूट्स पता हो, अपने महत्व पता हो, अपने मॉडल्स पता हो। तो जब भी हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, आभार कृतज्ञता की बात करते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है थैंक यू बोलना। अपने इमोशंस को उस सामने वाले तक व्यक्त करना जिसने हमारे लिए कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है और हम क्या उससे हमेशा थैंक यू कहते हैं? क्या आप याद करिए, आपने आखिरी बार किसे थैंक यू कब कहा था? कभी अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है या आपके प्रगति में, आपके प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर मॉरली या किसी भी तरीके से, तो क्या आप उसे ग्रैटिट्यूड शो करते हैं? क्या आप उसे शो करते हैं कि आपका हेल्प करना या आपका मेरे लाइफ के इस जर्नी में पार्ट रहना मेरे लिए कितना ही बेनिफिशियल रहा है, मेरे लिए कितना ही यूजफुल रहा? तो बेसिकली ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ये एक बहुत ही बेसिक इमोशन है जिसे आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी से छीन नहीं सकते, या आपके अंदर होता है, आपका अपना होता है। आप याद करिए कि आपने लास्ट टाइम किसे थैंक यू कहा था। सपोज करिए कि आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया और सामने से किसी ने आपको ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया, किसी ने बताया नहीं कि हमें कितना अच्छा लगा उस गिफ्ट से, तो आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली बुरा फील होगा, राइट? कि सामने वाले ने एक्नॉलेज नहीं किया, उस चीज को मेंशन नहीं किया। और ये एक बहुत ही कॉमन सा फीलिंग है, एक बहुत ही बेसिक फीलिंग है जो कि ये आता ही है, ये आएगा ही, आप इससे कुछ कर नहीं सकते। तो यही अगर हम किसी के साथ करें तो उतना ही बुरा उसे भी लगेगा कि हमारे बुरे वक्त में अगर कोई साथ दे रहा है, और ना सिर्फ बुरे वक्त में, अगर हमारे किसी भी जर्नी में कोई हमारा साथ दे रहा है, अगर हम उसे एक्नॉलेज नहीं करें तो ये एक्चुअली एथिकली भी रॉन्ग होता है। आपको हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए, आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए कि आप कितने कृतज्ञ हैं, आप कितने थैंकफुल हैं उस इंसान के लिए, उनकी की हुई चीज के लिए जो उन्होंने आपके लिए किया या आपके साथ किया, जिसके कारण आज आप सक्सेसफुल हैं, जिसके कारण आज आप किसी भी मुकाम पर हैं। अगर आप दो वक्त की रोटी भी खा रहे हैं और उसमें किसी ने आपकी हेल्प की है, तो हमें उस चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ये एक कॉमन एक्सपेक्टेशन होता है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बताता है, अगर आपने हैं, अगर आप करते हैं ऐसा, तो ये बताता है कि आप कितने हम्बल हैं, आप कितने अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो आप देखे होंगे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, बार बार उन्हें रिमाइंड कराते हैं कि बेटा थैंक यू बोलो, आपके लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, आपको चॉकलेट्स दे रहा है या एक्स वाई जेड रीजन, लेकिन बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे होते हैं कि हम बार बार थैंक यू कहें, जब भी नेसेसरी है हम थैंक यू कहें, उसका एक ही रीजन है ताकि वो एटिकेट, वो मैनर हमारे में आ जाए। और ये एक ऐसा चीज है जिससे आपको लोग जज करते हैं और वो भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक इमोशन है, ये ऐसे नहीं आता, ये अनलेस एंड अंटिल आप वो फील नहीं कर रहे हो ये मुंह से नहीं निकलता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस क्वालिटी को अपने अंदर लाएं और अपने अंदर रहें और हमेशा हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंकफुल रहें। यहाँ सिर्फ हम जब भी बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना है, थैंकफुल रहना है, तो आप देखेंगे कि ये सॉरी और जो थैंक यू होता है, ये इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि ये आपके किसी भी कन्वर्सेशन को, जो कि अगर बहुत ही फायर्ड कन्वर्सेशन है, बहुत ही हीट अप कन्वर्सेशन है, उसको भी ख़त्म करने में हमको बहुत अच्छे से हेल्प करता है।
आप अगर किसी को सॉरी या थैंक यू उस समय बोल देते हैं तो सामने वाला उसके आगे और क्या बोलेगा, फिर से जबरदस्ती ड्रैग नहीं करता, जबरदस्ती लड़ नहीं सकता, आप पे गुस्सा नहीं हो सकता। तो आप देखिए कि ये एक बेनिफिट ही है अगर आप इस क्वालिटी को अपने अंदर लाते हैं, प्लस ये इससे हमारी एनर्जी भी काफी हद तक सेव होती है। मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक ऑथर ने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि एक बार वो कैलिफोर्निया जा रहे थे और फ्लाइट लैंड करने में टेक्निकल इश्यूज के कारण या तो शायद वेदर कंडीशंस के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, एंड बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो गया था, इतना कि एवरीबॉडी वॉज थिंकिंग कि शायद हमें कुछ हो ना जाए, हम सेफली लैंड कर ना पाए, कर पाएंगे भी कि नहीं हमें नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में उनके मन में आया कि अगर मैं मर गया तो, फिर उनके इस चीज के साथ साथ उनके मन में एक और चीज आई कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ, आज कितने सारे लोगों ने मुझे उस रास्ते में उस जर्नी में हेल्प किया है, और आज तक मैंने कभी भी उनको अपना ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया है, आज तक उनमें से एक को भी मैंने नहीं कहा है कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस जर्नी में हेल्प किया, आपके इस हेल्प के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। उन्हें इस चीज का बहुत बुरा लगा, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज थी जो अपने लाइफ में मिस कर रहे थे, और ये उन्हें तब याद आई जब उन्हें अपने खुद की लाइफ का श्योरिटी नहीं था। तो आप देखेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि अगर वो सेफली लैंड कर जाते हैं तो वो पहली चीज उतर कर होटल में जाकर अपने लाइफ में उन्होंने एक लिस्ट बनाई 25 लोगों की, 25 ऐसे लोग जिन्होंने उनको हेल्प किया उनकी जर्नी में, उनकी लाइफ में, उनके जरूरी नहीं है कि एक इंसान आपको हर सिचुएशन में आपके साथ रहे, लेकिन ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं हमारे लाइफ में जिनमें अलग अलग लोग हमारा साथ देते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जैसे ही मैं उतरूंगा मैं उन सबको थैंक यू बोलने वाला हूँ, मैं आप वाकई ही आप आभारी हूँ, मैं आपके इस चीज के लिए, आपके साथ और सपोर्ट के लिए थैंकफुल हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे उन्होंने वापस अपने आप को उन सबसे कनेक्ट किया, उन्होंने ऑथर ने इस क्वालिटी के थ्रू अपने आप को अपने आप से कनेक्ट किया। तो ये एक सिर्फ वर्ड नहीं है जब हम थैंक यू कहते हैं, ये 100% एक इमोशन है, और जिसका हमारे अंदर रहना हमें अपने आप से जोड़ कर रखता है। ऑथर ने एक और बहुत अच्छी चीज कही कि उन्हें रियलाइज हुआ कि जो थैंक यू है वो, अगर वो मैनर अगर उस समय हमारे में नहीं है तो वो कोई एक कमी नहीं है, सब में बहुत सारी कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रहती ही है, लेकिन अगर आपके में ग्रैटिट्यूड है, आपके में ये कृतज्ञता की भावना है, आभार व्यक्त करने की कला है, तो ये एक आपके लिए एसेट है, आपके लाइफ का एसेट है, कमजोरी नहीं, आपके लाइफ की एक जमा पूंजी है। और अब मैं आपको मेरा जो ये टॉपिक है वीडियो का, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसका इतना एक सॉलिड पॉइंट आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब हम थैंक यू बोलते हैं, जो जब हम थैंकफुल रहते हैं किसी चीज के लिए, तो ये सिर्फ हमें और सामने वाले को अच्छा नहीं फील कराता, ऑब्वियसली कराता है, लेकिन सिर्फ ये इसके लिए नहीं होता, बल्कि जो मैं आपको इतनी देर से कहती आ रही हूँ इस वीडियो में कि ये आपको अपने आप से कनेक्ट करता है, वो कैसे करता है कि जब आप थैंक यू कहते हैं तो वो जो एक वर्ड है वो आपको रियलाइज करवाता है कि आपको वो चीज नहीं आती थी, आपने उस चीज के लिए किसी की हेल्प ली, आपकी सक्सेस जो आज आपको मिली है वो आपके अकेले का पार्ट नहीं है, उसमें उस इंसान का भी पार्टिसिपेशन है जिसने आपको हेल्प किया। आप सिर्फ वो आपको ये नहीं रियलाइज करवाता कि आप अकेले ये नहीं कर सकते थे, बल्कि ये भी बताता है कि हम में उस चीज को लेके उस एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम वीक हैं, तभी हमें उसके लिए किसी और की जरूरत पड़ी, हमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको ये अल्टीमेटली अपने आप से जुड़े रखने में हेल्प करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम में से बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि आज हम किसी भी चीज पे हम पहुंचे हैं, किसी भी हमारा आज जो हम सक्सेस हमने अचीव की है वो हमारे अकेले की नहीं होती। हम जब थैंक यू बोलते हैं तो
वो थैंक यू इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज में वीक थे, हम कहीं ना कहीं हम वो अकेले नहीं कर पाते, वो अकेले की बात नहीं थी, हमें उस चीज में किसी ना किसी की हेल्प मिली और अभी हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो हमें अपने सोल से भी कनेक्ट रहने में हेल्प करता है। आप ट्राई करिए, आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, आप थैंकफुलनेस दिखाइए। आज आपके पास जो भी है आप उस चीज के लिए थैंकफुल रहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप खाना खा रहे हैं, इनफैक्ट आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी के पास सारी चीजें नहीं होती, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही पांच इंसानों की सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती। अगर आज आपके पास दो वक्त का खाना भी है तो आप उस चीज के लिए थैंक यू। बहुत एक अच्छी हैबिट है जो मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं एवरी नाइट रात को सोने से पहले भगवान को हाथ जोड़कर थैंक यू कहती हूँ हर उस चीज के लिए जो मैंने आज की प्रेजेंट में की, और हर उस चीज के लिए जो मुझे लगता है कि इससे कि मैं ब्लेस्ड हूँ। आप भी ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आपको देगा और बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा। एक चीज और है जो मैं चाहती हूँ आप सोचें और समझें कि हम ग्रेटफुल क्यों नहीं होते, ये इतना टफ क्यों होता है कि हम किसी को थैंक यू नहीं बोल पाते, हम अपना आभार नहीं व्यक्त करते, हम दो वक्त की रोटी खा रहे हैं फिर भी हम खुश नहीं हो पाते। उसका एक ही रीजन है जो अब तक मुझे समझ में आया है, वो है कंपैरिजन। अगर द मोमेंट आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड की भावना खो देते हैं अपने अंदर से। आप सोचते हैं कि सामने वाले के पास कार है लेकिन हमारे पास नहीं, पर आप ये नहीं देखते कि आपके पास चलने के लिए दो पैर हैं, किसी के पास वो पैर भी नहीं। तो ध्यान रखिए कि जहां आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, आपकी ये जो भावना है, आपके अंदर जो ये क्वालिटी है थैंकफुलनेस की होनी चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। वो आपको अपने आप से अलग कर देती है, अपनी सोल से अलग कर देती है। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, उनसे सीधे सीधे कट ऑफ करें, दूर रहें। जो चीज आपके पास है एवरीडे आप उसको उसके लिए थैंकफुल रहें, आप गॉड से थैंक यू करें, आप हर उस इंसान को थैंक यू बोल सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में आपका साथ दिया। एक चीज हम और कर सकते हैं कि हम ये टाइम देख रहे हैं कोविड का, बहुत ही टफ टाइम है, बहुत ही सराउंडिंग जो है बहुत ही टेंस्ड है, नेगेटिव है, तो क्यों ना हम एक एक्सरसाइज करें और हम भी 20 या 25 ऐसे लोग, या आप चाहे तो आप 10-15 लोग भी ले सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में हेल्प की है, जिन्होंने आपको आज जहां आप हैं, आपकी सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस की बात नहीं है, अगर आप आज मुस्कुरा भी रहे हैं, अगर उसमें भी किसी का साथ है, तो आप बिल्कुल फोन उठाइए, उनको फोन करिए और उनको बताइए कि आप कितने ग्रेटफुल हैं, आप कितने खुश हैं उनके आपके लाइफ में रहने से। और आप देखिएगा कि सिर्फ उनको नहीं, आपको खुद को भी बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि थैंक यू जब आप किसी को कहते हैं आप ऑटोमेटिकली आप स्माइल करते हुए कहते हैं। आप अभी भी बोल के ट्राई करिए और स्माइल के साथ अल्टीमेटली आप हैप्पी फील करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है और मुझे लगता है कि हम सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फॉर श्योर हम सब स्कूल गए हैं और हम सब उस सिचुएशन से निकले हैं। तो एक लॉयर होता है जो कि बहुत ही अच्छे से उस केस की फाइल बनाता है, तो जो भी वो केस खत्म होता है तो जज खुद पर्सनली उन्हें जाके कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से केस को प्रेजेंट किया, आपने बहुत ही अच्छी फाइल रखी, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। लॉयर को अचानक से याद आता है कि ये सब जो भी था स्कूल में उनके टीचर के कारण था, जिन्होंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से लिटरेचर का ज्ञान दिया, बहुत अच्छे से उनकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग की, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर है। प्लस उनके प्रोफेशन में वो इंग्लिश लिटरेचर बहुत काम आ रहा है, और अगर वो टीचर नहीं होते तो शायद वो इतने अच्छे से पुट अप नहीं कर पाते चीजों को जितने अच्छे से उन्होंने किया। तो उन्होंने जज को बताया कि ये एक मेरे टीचर है, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे ये सब मेरे इस प्रोफेशन में काम आता है। तो जज ने बहुत अच्छे से पूछा कि आपने कभी उनको थैंक यू बोला इस चीज के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, कभी थैंक यू तो नहीं कहा। जज ने उन्हें कहा कि आज आप उनको थैंकफुल नोट क्यों नहीं भेजते हो कि आप कितने थैंकफुल हो? तो उन्होंने जज की बात मानते हुए थैंक यू नोट लिखा और पोस्ट किया उनके एड्रेस पे, स्कूल पे।
बहुत खुश नहीं होते हैं। एक होता है इतने सालों तक आप करते रहो, आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करे तो आपको सैड फील होता है, डिप्रेस फील होता है, आपको बुरा लगता है। तो जैसे ही अपने पुराने स्टूडेंट का उन्हें थैंक यू नोट मिलता है वो बहुत ही खुश होते हैं और वापस से अपना जो प्रोफेशन है, अपनी टीचिंग है, बहुत ही एंथुजियास्टिकली पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ये सफल हुआ, एक जज ने नोटिस किया और काफी अप्रिशिएट किया। थैंक यू नोट आपको कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक कर लेता है, आपको कितना ज्यादा मोटिवेट भी करता है, प्लस हैप्पी फील कराता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस वीडियो के लिए। ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट बातें मैंने आपको बताई हैं। इट इज अप टू यू कि अब आप उन्हें कैसे अपने लाइफ में अपनाते हैं, कि आप वाकई अब थैंकफुल होते हैं कि नहीं, और अभी तक भी आपके लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है आप उसके लिए वो भावना एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं। और इसी के साथ मैं, जो मैं भी नहीं करती थी अब तक, मेरा ये नया चैनल है और मैं लास्ट में थैंक यू मुझे भी बोलना चाहिए आप सबके सपोर्ट के लिए, तो मैंने भी डिसाइड किया है कि इस वीडियो से मैं वो भी करूंगी, मेरे हर वीडियो में करूंगी। एंड सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बेस्ट विशेस के लिए। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेट किया हो, और अगर किया हो तो प्लीज़ आप इससे शेयर करें, हर किसी से शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सब वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।